हेलो फ्रेंड, आज के शो टॉपिक में शरीर द्रोह तथा परिसंचरण चरण के बारे में देखेंगे। इसमें पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, सेकंड टॉपिक है रुधिर यानी ब्लड, इसमें जो चार टॉपिक आएंगे इसमें पहला है प्लाज्मा, सेकंड है संगठित पदार्थ, थर्ड है ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह, फोर्थ है रक्त स्कंदन। जो ये संगठित पदार्थ हैं इसमें तीन भाग है, पहला दूसरा और तीसरा। पहला है आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट यानी रक्ताणु, सेकेंड है डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट, और चौथा है थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। पहला है एरिथ्रोसाइट, यानी रक्ताणु ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स। जो ये ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप में भी दो भाग आते हैं, यानी ए बी ओ समूह या ए बी ओ ग्रुप, सेकेंड है आर एच समूह यानी आर एच ग्रुप। तो इसमें ब्लड में हो गया प्लाज्मा, संगठित पदार्थ, ब्लड ग्रुप और स्कंदन, रक्त स्कंदन। जो संगठित पदार्थ है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट, और रक्त समूह हो गया, रक्त स्कंदन। तीसरा टॉपिक है लसिका यानी उत्तक द्रव, अगला जो टॉपिक है फोर्थ नंबर का परिसंचरण पथ, अब जो परिसंचरण पथ है वो दो प्रकार से होता है, पहला और दूसरा, यानी खुला परिसंचरण और बंद। अब जो मानव का परिसंचरण, इसमें एक टॉपिक आएगा मानव का परिसंचरण तंत्र, पांचवा देखेंगे स्टार है, इसमें क्वेश्चन आते हैं मानव का परिसंचरण तंत्र, यानी मानव का परिसंचरण तंत्र। मानव के परिसंचरण तंत्र में देखेंगे पहला है हृदय, सेकेंड है हृदय चक्र यानी हृदय चक्र, थर्ड है विद्युत हृदय लेख यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, फोर्थ है द्विसंचरण यानी डबल सर्कुलेशन, पांचवा है हृदय क्रिया का नियमन, अगला है हृदय यानी परिसंचरण की विकृति, अगले से यहां से लिखेंगे, अगला टॉपिक लिख लेंगे परिसंचरण की विकृतियां यानी विकार कौन से हैं, विकार इसमें है चार विकार हैं। पहला है हाई ब्लड प्रेशर, सेकंड है हृदय धमनी रोग यानी सीआरडी कार्ड, तीसरा है हृदयशील यानी एंजाइमा, फोर्थ है हृदयघात यानी हार्ट फेलियर। तो इसमें छह टॉपिक हैं शरीर द्रव और परिसंचरण यानी चैप्टर नंबर 18 है 16 टॉपिक में, इसमें देख रहे हैं अपन। तो इसमें छह टॉपिक हैं, इसमें पांच चार बार रिवाइज करेंगे, चार पांच बार, तो अच्छे से याद हो जाएगा।
तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, सेकंड है ब्लड यानी रुधिर। जो इसमें ब्लड है तो ब्लड में चार पॉइंट आएंगे। इसमें प्लाज्मा है, संगठित पदार्थ है, ब्लड ग्रुप है और रक्त स्कंद है। जो संगठित पदार्थ है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट है। जो ब्लड ग्रुप है एबीओ और आरएच ग्रुप है। लसिका है, लसिका यानी उत्तक द्रव। जो अगला टॉपिक है फोर्थ नंबर का परिचयचरण पथ। इसमें परिचयचरण खुला और बंद प्रकार का पाया जाता है। तो मानव में परिचयचरण तंत्र है, तो मानव में परिचयचरण तंत्र है, इसमें हृदय है, हृदय पर हृदय चक्र आएगा। जो हृदय चक्र है वो हृदय चक्र में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। तो और फोर्थ है डिशन यानी डबल सर्कुलेशन, उपाय हृदय क्रिया का नियमन, नियमन कैसे होता है। छठा टॉपिक है परिचयचरण की विकृतियां या विकार। जो इसमें जो विकार हैं ये चार प्रकार के हैं, चार विकार हैं यानी हाई ब्लड प्रेशर, सी ए डी कार्ड यानी हृदय धमनी रोग, हृदय शूल यानी एंजाइमा, फोर्थ हृदय का। इसमें रिवाइज करते रहेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या रुधिर, रुधिर में यानी चार प्लाज्मा, संगठित पदार्थ, ब्लड ग्रुप और रक्त स्कंद। जो संगठित पदार्थ है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट हो गए। ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप में एबीओ ग्रुप और आरएच ग्रुप। जो लसिका यानी उत्तक द्रव, परिचयचरण पथ यानी खुला और बंद प्रकार का परिचयन। पांचवा जो टॉपिक मानव का हृदय परिचयचरण तंत्र, हृदय हो गया, हृदय चक्र हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हो गया, द्विसंचरण, द्विसंचरण के बाद हृदय क्रिया का नियमन। लेंस से हृदय हो गया, हृदय चक्र, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, द्विसंचरण, द्विसंचरण तंत्र यानी डबल सर्कुलेशन, पांचवा हृदय क्रिया का नियमन। अगला जो टॉपिक है सिक्स नंबर का परिचयचरण की विकृतियां यानी विकार। जो विकार है हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कार्ड हृदय धमनी रोग हो गया, थर्ड हृदय शूल एंजाइमा, फोर्थ हृदय का। एक बार और रिवाइज कर लेंगे, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद ब्लड, ब्लड में प्लाज्मा, संगठित पदार्थ, ब्लड ग्रुप, रक्त स्कंद, संगठित पदार्थ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट, ब्लड ग्रुप एबीओ ग्रुप, आरएच ग्रुप, यानी उत्तक द्रव, परिसंचरण पथ खुला और बंद प्रकार का। मानव का जो परिसंचरण तंत्र उसमें हृदय, हृदय, हृदय चक्र, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, द्विसंचरण और हृदय क्रिया का नियमन। परिसंचरण तंत्र की विकृति या विकार, हाई ब्लड प्रेशर, कार्ड यानी हृदय धमनी रोग, हृदय शून्य एंजाइमा, फोर्थ हृदय का। एक बार और रिवाइज करते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। तो इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद रुधिर है, ब्लड, प्लाज्मा, संगठित पदार्थ, ब्लड ग्रुप, रक्त स्कंद। जो संगठित पदार्थ डब्ल्यूबीसी यानी आरबीसी, थ्रोम्बोसाइट यानी आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। जो ब्लड ग्रुप है एबीओ ग्रुप, आरएच ग्रुप, रक्त स्कंद। इसमें चार टॉपिक कंप्लीट। लसिका है, लसिका है उत्तक द्रव, फोर्थ में परिचयचरण पथ, दो खुला और बंद। तो इसमें हो गया पांचवा मानव का परिचयचरण, हृदय, हृदय चक्र, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, द्विसंचरण, हृदय क्रिया का नियमन, या इसमें पांच हो गया। छठा परिचयचरण की विकृति या विकार, हाई ब्लड प्रेशर, कार्ड हृदय धमनी रोग, हृदय शूल, हृदय का यानी एंजाइमा, चार टॉपिक।